देखिए आपका क्या सवाल आया। हाँ सवाल आ गया आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर। चलिए बहुत अच्छा, चलो वेरी गुड, ये लीजिए, वेलकम। चलिए नेक्स्ट, चलिए ठीक है, चेन्नई एक्सप्रेस ऐसी हो गया। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन आया। चलिए आपके लिए सवाल है, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो गैस निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसका सूत्र क्या है बताइए? दिमाग पर ज्यादा प्रेशर कभी नहीं डालो। चलो ठीक है कोई बात नहीं है, चलिए इधर हो गया, चलिए इधर आते हैं, आसान आसान चीज है। चलिए उठाइए क्वेश्चन, चलिए अंजलि उठाइए क्वेश्चन, देखो क्या है आपका क्वेश्चन है, नमक का सूत्र क्या होता है? आप लोग नहीं बोलिए ना, आवाज आती है, नमक का सूत्र जोर से बोलिए। गलती होगा कोई बात नहीं है, बस सीख रहे अगली बार से तैयारी करके रखेंगे। गलती है बोल देना, ऐसे नहीं बोलोगे सभी कोई बात नहीं है। इतना धकमकाएगा बोलने में नमक। चलो ठीक है बहुत अच्छा, चलो जी उठाओ एक क्वेश्चन। चलिए नाम बताइए पहले, अपने नाम बताइए। चलिए पूजा उठाइए एक क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में, हमारे शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती है? दूसरा आदमी कोई मत बोलो, कितनी हड्डियां होती है? 107 नहीं, या तो 206 भी बोलते तो सही होता, 7 भी बोलते, 8 ही बोलते तो भी सही था, 200 से थोड़ा सा ज्यादा होता है, 206 हड्डियां। चलिए सविता उठाइए क्वेश्चन। चलिए आपके लिए सवाल आया, 9-2-11 होना मुहावरे का क्या अर्थ है? 9-2-11 हो जाना मुहावरे का क्या अर्थ है? अनेक, चलिए आपके लिए सवाल है, गांधी जी का पूरा नाम क्या था? गांधी जी का पूरा नाम क्या था? याद करो, उसका बाप का नाम क्या था? बाबू तोड़ा है जो बोलेगा। नहीं नहीं बोले दीजिए जिनको आया है। चलिए टाइम की मत कीजिए, हो गया बात खत्म, बात खत्म, बैठ जाओ, नहीं आएगा तो बैठ जाओ, समझ नहीं आया। चलिए बहुत अच्छा, किसको याद है? हाँ बोलिए क्या होगा? मोहनदास करमचंद गांधी। यस, गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, है ना। चलिए छोटा छोटा चीज सब ना माइंड में रखना चाहिए, कोई भी बाहरी आदमी यही सब पूछेगा आपसे। चलिए नेक्स्ट आगे दीजिए, चलिए क्वेश्चन उठाइए बाबू। चलिए काजल बाबू उठाइए क्वेश्चन, चलिए देखिए क्या सवाल है आपका। आपका सवाल है, जल का सूत्र क्या होता है? पानी का फॉर्मूला क्या होता है? आप लोग मत बोलिए। हाँ बोलता है मुंह फुला के हमारा, इधर से H2O, जैसे चढ़ा मारेंगे तो बहुत अच्छा, ठीक है H2O भाई। अरे गैप कर दिया क्या? चलो ठीक है बहुत अच्छा, देखो गलत सही है कुछ भी हो बस बोल दो। हाँ इधर हो गया, चलो इधर से शुरू करते हैं। ये धकमा की किरण थोड़े तरह। चलिए जी उठाइए क्वेश्चन, उठाइए फटाफट, चलिए थोड़ा सा लोग बच्चे तुरंत हो जाएगा। चलिए आप ना, चलिए आपके लिए सवाल है, APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है? कलाम साहब का, अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है? A से क्या होगा, B से क्या होगा, J से क्या होगा? APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम, चलिए कोई बात नहीं है बहुत अच्छा बैठ जाइए। चलिए किनको याद है, किसी को याद है? इतने बड़े साइंटिस्ट थे, राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, 11वें राष्ट्रपति, तो
उनका पूरा नाम मालूम होना चाहिए, सब चीज कोई पूछ सकता है, पता है आपको? और किसी को पता नहीं है? चलिए बताइए क्या होगा? एयरफोर्स सब तो करना है। क्या चीज? एयरफोर्स सब तो करना है। नहीं नहीं यार, हाँ बोलिए। डॉक्टर अब्दुल कलाम। नो, पूरा नाम ए से क्या होगा, पी से क्या होगा, जे से क्या होगा, एपीजे अब्दुल कलाम। इनका पूरा नाम होगा अबुल फाकिर जैनुलाब्दीन कलाम आजम। ये पूरा नाम था। चलिए कोई बात नहीं, आगे कीजिए क्वेश्चन। उठाइए, देखिए आपके किस्मत में क्या क्वेश्चन। चलिए आपके लिए सवाल है, हाजीपुर का क्या प्रसिद्ध है? हाजीपुर का क्या प्रसिद्ध है? चार ऑप्शन है, ए में आम, बी में अंगूर, सी में केला, डी में कटहल। सी बता। सी में क्या था? केला। चलिए बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा। चलिए उठाइए क्वेश्चन, उठाइए उसमें से। चलिए आपके लिए सवाल है, एक सरल रेखा पर, सीधी रेखा पर टोटल कैठो बिंदु होता है, कितनी बिंदु होती है? ऑप्शन ए में है शून्य, मतलब एक भी नहीं, बी में है दो, सी में है चार, डी में अनंत। क्वेश्चन भी देख सकते हैं, अनंत। चलिए बहुत बहुत लगा तू गया। चलिए आपका सवाल है, 11 का स्पेलिंग क्या होगा? 10 के बाद जो आता है 11, उसका स्पेलिंग क्या होगा? 11 का माइकलो मुंह में सटाओ, कस के बोलो। बोला बोलो, कोई बात नहीं, गलती होगा, कोई बात नहीं। हो गया। नहीं यार, चलिए हाँ, सोचो क्या आप सही आंसर हाँ बोलो। चलिए आप बताओ, आज मतलब कभी भी कोई चीज़ हमको छोटा-छोटा चीज़ कैसे याद रखना है, सीरियस होके पढ़ना है, यही आज पता चलेगा। चलिए काजल कुमार, अगली बार से ना सर क्या क्या पढ़ाया सर से पूछ के क्वेश्चन बनाएंगे, सर जो भी पढ़ाएंगे उसको ध्यान से पढ़ना। चलिए आपका है 13 का पहाड़ा सुनाना है। चलो बहुत अच्छा, ट्रॉफी लाइए। तेरा नाम एक्सेस चार। चलिए दीपक, आपके लिए सवाल है, फरवरी का स्पेलिंग क्या होगा? एक ऐसे जीव का नाम बताइए जो रात में देख सकता है। उल्लू। चलिए बहुत अच्छा, चलो बाबू उठाए क्वेश्चन, उठाए इसमें से। बिट्टू कुमार चलिए उठाए। चलिए आपके लिए सवाल है, 5 अनाज का नाम बताइए। गेहूं, मकई, दाल, और चावल, चार हो गया, एक और नहीं बताइए, नहीं चलिए एक और बताइए आप। 4 अनाज हो गया, चारों खाता है इसलिए। एक और बताओ, धान वही ना बचा, चावल ना हुआ, अलग अलग चीज है, कोशिश करो। अच्छा चलो ठीक है, बहुत ज्यादा लाइव को टॉपिक दीजिए। चलो ठीक है, बहुत अच्छा रखा गया, खाली पैकेट फेंक रहा है।
चलिए तीन जलीय जंतु का नाम बताइए जो पानी में रहता है। माइक्रोच कॉकरोच रे कौन बोला रे कॉकरोच नहीं होगा कॉकरोच और बोलना होगा आपको अलग से दो ही होगा हिंदी में इतने समय में सब दिन कहाँ है ठीक है वेरी गुड ठीक है बैठ इधर भी है दो तीन को और बचा हुआ चलिए अच्छा हो जाएगा। सी एच फोर क्या है ऑप्शन देते हैं मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन मेथेन चलिए वेरी गुड बहुत क्या हम ना पढ़ाए थे क्या क्वेश्चन तक चलिए देखिए आपका क्वेश्चन है एक गाना है उसको ध्यान से सुनिए फिर सवाल आएगा है ना पहले गाना सुनिए फिर आपका क्वेश्चन आएगा गाना सुनो जब जब टिकवा मंगल यौरे जटवा टिकवा काहे न लैले रे मोरा बाली उमर जटवा टिकवा काहे न लैले रे। ये गाना किस त्योहार से संबंधित है ऑप्शन है सवाल समझ गया होली दिवाली सामो चकेवा छठ किसमें का है आप नहीं बोले गलती बोल दोगे तो फिर नहीं बोल देगा ना गाना सुना है ये वाला किस त्योहार में गाया जाता है होली दिवाली सामो चकेवा छठ ठीक है सब लोग हो गया चलिए दो लोग इधर बच गया है तुम बोल दिया है चलो था तुम दोनों ऐसे से दिया तुम भी दे दिया है सुनता उधर बैठा हुआ था चलो अंग्रेजी वर्णमाला में भवेल कैठ होता है फाइव चलो ठीक है बहुत बहुत अच्छा वेरी गुड ये लीजिए चलो उठाओ एक क्वेश्चन उठाइए इसमें से चलो प्रकाश कैसा रेखा में चलता है ऑप्शन है प्रकाश माने रोशनी जो आती है सूरज से या कोई भी लाइट वो किस रेखा में चलती है ए में वक्र सी में सरल सी बी में सरल सी में वृत्ताकार डी में बेलनाकार सवाल तुम देख भी सकती हो ध्यान से प्रकाश किस रेखा में चलती है गमन करती है सीधी रेखा में चलो ठीक है सही जवाब सरल समझ में ना चलो ठीक है प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है चलो ठीक है वेरी गुड चलो ठीक है बहुत अच्छा तो चलिए ये था क्विज कॉन्टेस्ट कोई छूटा नहीं सब लोग जवाब दे दिए हैं चलिए तो अब ये बताइए कि कैसा लगा आज आप लोगों को मजा आया तो अभी जो हुआ उसमें हम लोगों ने पहले काम और कर लेते हैं लास्ट में करते हैं हम लोग पीछे जितना भी पढ़े हैं पढ़ाई किए हैं अब जब तुम पढ़ोगे तो छोटा छोटा चीज को ध्यान में रखोगे हम बीच बीच में आकर के कुछ कुछ तुम लोगों को सिखाते भी रहेंगे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में और उसके बाद इस तरह का क्विज भी कराते रहेंगे कभी साइंस में कराएंगे कभी मैथ में कराएंगे तो क्लास में जो भी चीज पढ़ोगे तुम लोग तो उसको जरा सा ध्यान से पढ़ोगे इससे क्या होगा कि पढ़ाई भी इस बहाने अच्छा हो जाएगा और अब बहुत सारा चीज अभी तुम लोग यहाँ पे सुन के याद आ गया बहुत सारा चीज पहले से पढ़ रहा है मालूम भी है लेकिन माइक पे बोलते समय जनरेटर जो है स्टार्ट हो जाता है जब लाइन से अच्छा लाइन से कर रहे थे
जब तुम्हारा नंबर आने वाला रहा तो आई भगवान डर लगने लगता है। तो आसान क्वेश्चन या डिफिकल्ट सब अपना अपना उठाए हैं, जिसको जो आया किसी